Akash Vijayvargiya, BJP MLA and son of senior BJP leader Akash Vijayvargiya, was garlanded by party workers this morning as he walked out of prison on bail 4 days after his arrest for thrashing a civic body official with a cricket bat in Madhya Pradesh's Indore. Party workers also fired shots in the air at the BJP office to celebrate his reprieve. He was given bail by a special court in Bhopal for a personal bail bond of 50,000 rupees in that case of assault. I spoke with Akash Vijayvargiya a short while earlier and I began by asking him whether he was now sorry for assaulting the municipal officer with a bat. Now that you've had 4 days to reflect on this. नहीं, I am not. और इसका कारण ये है कि ये एक बहुत लंबी सिचुएशन से मैं होकर यहाँ तक पहुँचा हूँ. कुछ महीनों पहले मुझे प्रूफ के साथ ये जानकारी लगी थी कि कुछ कांग्रेस के लीडर्स मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पुराने भवन खरीद रहे हैं और नगर निगम कमिश्नर से टाई अप करके उन्हें तुड़वा करके गरीबों को बेघर कर रहे हैं. तब मैंने इनसे निवेदन किया था कि मैं चुना हुआ विधायक हूं, क्या मुझे ये अधिकार नहीं है जानने का कि मेरी विधानसभा में क्या हो रहा है क्या नहीं. और उनसे ये भी निवेदन किया था कि आप आगे से जो भी कार्रवाई करें मुझे बता करके करें, मुझे मेरी जानकारी में दे करके करें. उन्होंने मेरी एक ना सुनी, एक और घर को नोटिस दिया, वो गरीब परिवार मेरे पास आया. मैंने कमिश्नर को कॉल किया, घर के फोटो भी खींच के उनको. ओके ओके, बट Akash Vijayvargiya, you are an MLA, you're a lawmaker. What you did was against the law of the land, against the laws of India. Do you at least admit that what you did was against the law? Just a second, let me finish please. Fir maine jo site pe vyakti tha usko call kiya, maine bola aap isko karwai ko roko, meri commissioner se baat ho gayi, abhi wo mera phone nahi utha rahe. Usne mere call ke baad aur tezi se ghasitna chalu kar diya mahilaon ko, poklen start karwa di. जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वो महिलाओं को घसीट रहे थे, विकलांग महिला को घसीट रहे थे, जेंट्स अधिकारी, पुरुष अधिकारी, एक भी महिला अधिकारी वहाँ पर नहीं थी. जेंट्स पुलिस के प्रोटेक्शन में महिला को घसीट रहे थे. मैंने उनसे निवेदन किया कि आप लोग चले जाएं, अब ये मकान नहीं टूटेगा, मगर वो वहाँ से गए नहीं. उसके बाद उन्हें खदेड़ने के लिए मुझे बल्ला उठाना पड़ा. But Akash ji, you have given us this explanation before also, you are reiterating it. My simple question is, this was illegal, this was against the law. Do you at least admit that what you did was against the law? You who are supposed to uphold the law as an MLA, you broke the law. देखिए, अगर मैं जो मैंने किया, अगर वो 5 मिनट भी बात करता ना, तो तब तक ये लोग वो मकान को ध्वस्त कर चुके होते, महिला को घसीट कर उसकी इज्जत भी बाहर ध्वस्त कर गए होते और मकान भी ध्वस्त कर दिया होता, और फिर कोई भी सुनने वाला नहीं रहता. यहाँ पर इंदौर में ये कांग्रेस की सरकार आने के बाद काफ़ी समय से चल रहा है. देखिए, जनता टैक्स भरती है तो इन अधिकारियों को सैलरी मिलती है. इनकी पहली प्रायोरिटी जनता को सर्विस करना होता है, मगर ये लोग अपने बॉसेस को खुश करने के चक्कर में ये जनता को कीड़े मकोड़ों की तरह मानने लग जाते हैं. और उसी का विरोध दर्ज कराने के लिए मैं वहां पर पहुंचा था, और वहां पर उस कार्रवाई को रोकने के लिए फिर ये घटनाक्रम घटा. नो, इट्स ऑल वेरी वेल टू से दैट दे इल ट्रीटेड दीज पीपल एंड व्हाट यू डिड वाज इन पब्लिक इंटरेस्ट. नाउ आर यू देन टेलिंग अस दैट यू आर गोइंग टू डू इट अगेन? इन फैक्ट राइट आफ्टर यू वॉक्ड आउट ऑफ प्रिजन यू सेड यू आर गोइंग टू प्रे टू गॉड टू नॉट गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू डू बैटिंग अगेन. Now, what did you mean by that statement? Does it mean that if you in fact do get such an opportunity, you are going to pick up a bat and assault somebody else again? मैंने ईश्वर से प्रार्थना की है कि दोबारा ऐसा अवसर ना दे, और मैं पूरा अपना प्रयास करूंगा कि भविष्य में मैं गांधी जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलूं, अहिंसा के पुजारी के रूप में काम करूं. Well, it's very good to hear you say that now, Akash Vijayvargiya, but you're invoking Gandhi now. That's very different from everything you've said earlier. In fact, you went on record to say your policy was Avedan, Nivedan and then Danadan. Now, that's not Gandhian at all. देखिए, उस वक्त जो सिचुएशन थी उसमें जो किया वो सही था, मगर आगे ऐसा ना हो इसका पूरा प्रयास करूंगा, और गांधी जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलने का पूरा प्रयास करूंगा, मैं ये कह रहा हूँ.
Well, I don't think Gandhiji would have approved of what you did, Mr. Vijayvargiya, but your supporters also then went on to surround the police station when you were arrested. Were those not intimidation tactics? देखिए सब लोग आक्रोशित थे क्योंकि पुलिस ने मेरे खिलाफ कार्रवाई की. मैं वहाँ पर थाने स्वयं पहुँचा था और मैंने पुलिस को ये कहा था कि मेरे खिलाफ़ तो आप कार्रवाई कर लें, मगर जो महिला के साथ बदतमीज़ी हुई है, जिसे पैर पकड़ के घसीटा गया है, जिसे गंदी गंदी गालियाँ बकी है, उसकी भी रिपोर्ट लिखें. मगर पुलिस ने हमारी एक नहीं सुनी, कांग्रेस की सरकार के दबाव में एक तरफा कार्रवाई की. okay, तो उसको लेकर के आक्रोश था, मगर हमने ही वो आक्रोश भी कंट्रोल किया. हमने उन्हें कहा कि हमें कानून पे भरोसा है, आप लोग बिल्कुल विचलित ना हो और सब अच्छा होगा, ऐसा कह के फिर हम लोगों ने सिचुएशन को संभाला. ओके, बट इवन टुडे व्हेन यू वर रिलीज्ड, योर सपोर्टर्स वंस अगेन फायर्ड इन द एयर टू सेलिब्रेट. देखिए आई कंडेम इट, बहुत निंदनीय है वो जिसने भी फायर किया. मैं ऐसे किसी सपोर्टर को नहीं जानता हूँ जिसके पास गन है, इसलिए मैं नहीं मानता कि वो मेरा कोई सपोर्टर था. मगर ये आंदोलन जो है जनता का आंदोलन बन गया है. बहुत दूर दूर से लोग मिठाई बांट रहे हैं, मुझे मैसेज कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं कि अच्छा किया अच्छा किया. जितने भी लोग गवर्नमेंट इस तरह की गवर्नमेंट कांग्रेस की गवर्नमेंट से परेशान है, तो वो उसमें से कोई भी हो सकता है. मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता हूँ जिसने जो जिसके पास गन है. और मैं उस घटना की निंदा भी करता हूँ और सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार का कोई सेलिब्रेशन ना करें. ओके फाइन, वी टेक योर पॉइंट अबाउट दैट एंड इट्स गुड इफ योर सपोर्टर्स लिसन टू यू एंड नॉट फायर हेंसफोर्थ इन एनी सेलिब्रेटरी और अदर फैशन. बट यू से यू आर बीइंग प्रेज्ड दैट पीपल एक्चुअली अप्रूव ऑफ योर पिकिंग अप अ बैट and assaulting a municipal officer who was doing his duty. Does that mean you think that all your supporters, all your well-wishers feel that picking up a bat and attacking someone is the best way to deal with a situation like this? देखिए आप आपको क्या बताऊं, फेसबुक पे आप देखें, सोशल मीडिया पे देखें, बहुत सारे लोग इस कार्रवाई को सही कह रहे हैं, बहुत सारे लोग इससे खुश हैं, मुझे बहुत सारे लोग बधाई दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पीड़ित हैं इस सिस्टम. आपको पता है इंदौर नगर निगम ने 200 बाउंसर्स हायर करके रखे हैं. अब कोई नगर निगम जनता के टैक्स के पैसे से अपनी सुरक्षा के लिए नगर निगम के ऑफिसर्स बाउंसर्स हायर करते हैं क्या? और वो बाउंसर जनता के पैसे से उनको सैलरी जाती है और वो जनता का सामान उठा लेते हैं, कभी किसी की पिटाई कर देते हैं, इस तरह के काम करते हैं, तो ये कोई जस्टिफाइड है क्या? तो इससे बहुत सारे लोग परेशान थे, सभी लोग खुलकर अभी सामने आए हैं. और मगर मैं स्वयं तो आपसे कह रहा हूँ कि जो हुआ वो उस जो भी हुआ मैं वो गलत किया, मैं ऐसा नहीं कहूँगा. मगर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो भविष्य में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं दे. और मैं अपने पूरा अपना 100% प्रयास करूंगा कि भविष्य में गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर. यू आर नॉट अपोलोजेटिक, यू आर नॉट रिपेंटेंट, बट यू से यू होप द फ्यूचर विल नॉट गिव यू अ सिचुएशन लाइक दिस. बट योर पार्टी प्रेसिडेंट द होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह सेज अ क्रिकेट बैट शुड बी यूज्ड टू सिंबलाइज अ नेशंस विक्ट्री, नॉट द डिफीट ऑफ डेमोक्रेसी. नाउ व्हाट वुड यू से टू हिम? देखिए मैंने जो आपको बता दिया मेरी तो वो सिचुएशन है. अगर अमित शाह जी ने गलत कहा है किसी बात को तो वो गलत ही होगी. मैं इस पे और विचार करूंगा और फिर मे बी आई विल कम बैक अगेन. ओके ओके, वन लास्ट क्वेश्चन टू यू आकाश विजयवर्गीया. हैज योर फादर द बीजेपी जनरल सेक्रेटरी एंड सीनियर लीडर कैलाश विजयवर्गीया एक्चुअली गिवन यू एनी एडवाइस आफ्टर दिस इंसिडेंट? व्हाट हैज ही सेड टू यू? देखिए पिताजी ने यही कहा कि अब मैं अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हूँ, मगर वो ये भी कहते हैं कि जो भी मैं निर्णय करूँ वो सोच समझ के करूँ, क्योंकि उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज और जो भी कॉन्सिक्वेंसेज उसके हों उसको फेस करने के लिए भी तैयार रहूँ. और उन्होंने मुझसे ये कहा. ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच आकाश विजयवर्गीया. यू हैव वॉक्ड फ्री आउट ऑन बेल टुडे. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन लेफ्ट राइट एंड सेंटर. Thank you.